तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं मुंबई से रत्नागिरी। तो रत्नागिरी जाने के लिए रोड कैसा है, कंडीशन क्या है और कौन सा रोड एक्चुअली आप प्रीफर कर सकते हो, तो सब अभी हम लोग जाके देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, हम लोग शुरू करते हैं पनवेल से और पनवेल से जाते हैं टुवर्ड्स रत्नागिरी। वड़खड़ से लेके माणगांव तक का रोड ख़राब है, वो इतना ख़राब है कि भाई आंसू निकाल दे आपके। तो उसके लिए मैं वो पूरी की तरह से अवॉइड करने वाला हूँ और हम लोग अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स कर्जत। कर्जत का जो जंक्शन आएगा उसके आगे अपने को मारना है राइट। तो अभी इसके लिए मैं ये रोड प्रीफर करता हूँ कि यार यहाँ से क्वालिटी ऑफ द रोड आप देख सकते हो कि ये वाला मिलेगा आपको। वहाँ पे जाएंगे पूरा मिट्टी पत्थर खड्डे, और खड्डे भी यार एक एक फुट डीप खड्डे हैं वहाँ पे, तो वो तो भाई रोना निकाल देते हैं कसम से बोलता हूँ। मैं लास्ट टाइम जब आया था, अगर आपने मेरा कुंभे राइड का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे यहाँ पे ऊपर आई बटन में यहाँ पे दे दूंगा कहीं पे। तो खोपोली के थोड़ा सा पहले अपने को लेना है एक राइट टर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बंद पेट्रोल पंप आता है जहाँ पे छतरी बना हुआ है। यहाँ से हम जाएंगे टुवर्ड्स पाली। तो भाई एक्सप्रेस हाईवे तो आ गया, अभी मैं अगर सीधा गया तो मैं एक्सप्रेस हाईवे पर पहुँच जाऊँगा। तो अपन मारते यहाँ से राइट और एक्सप्रेस हाईवे के नीचे से थोड़ा आगे जाते हैं। तो यार एक्सप्रेस हाईवे के थोड़ा आगे आने के बाद ना एक यू टर्न मारना है अपने को लेफ्ट साइड में। तो यहाँ तक का रास्ता जो था वो तो भाई एकदम ही अमेजिंग था। अभी आगे का देखते हैं। मैं तो वैसे ऑफ रोड कर रहा हूँ, राइट साइड में अच्छा रोड है, बट आई गेस ये लेफ्ट मारने के बाद इतना कुछ खास रोड नहीं है, थोड़ा सा पैच, वो भी आई गेस नया बना हुआ है ये वाला। तो ये जंक्शन पे अभी थोड़ा रोड ख़राब है, लेकिन बाकी पूरा रोड तो नया सीमेंट कॉन्क्रीट का बना है, और आई गेस ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया तो और भी अच्छा बनेगा। तो यहाँ से अपने को लेना है राइट और जाना है इमेजिका की तरफ। अगर आप खोपोली से आओगे तो ये साइड से आओगे, जंक्शन से थोड़ा सा आगे अगर आ गया तो वापस से अपना प्रॉपर सीमेंट कंक्रीट का रोड बन गया है। तक इमेजिका के आगे तक अपने को अच्छा रोड मिला था, लेकिन क्या ये ब्रिज का काम जहाँ पे चल रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा ख़राब रोड है। ख़राब रोड एज इन मतलब सिर्फ थोड़ा डांबर उखड़ गया है ऊपर का, तो पत्थर एक्सपोज है तो उसमें से रफ हो जाता है रास्ता। तो अभी वापस से अच्छा रोड चालू, वो सिर्फ थोड़ा एक ब्रिज है और शायद से एक और आ गया है। तो भाई अभी ऐसा सीन है कि बारिश चालू हो गई है, तो मैंने मेरा फ़ोन जो है मेरे वाटरप्रूफ पाउच में डाल दिया, बट आई होप यार ज़्यादा बारिश हेवी ना आए क्योंकि मेरा कैमरा का मेरे को वो टेंशन आ रहा है। भाई बारिश बहुत ज़्यादा आ गया तो हम लोग अभी यहाँ पे आके छुप गए हैं, और ये मेरा बैग पूरा जाने वाला है, वो तो वाटरप्रूफ है उसका टेंशन नहीं है। अभी मैं पूरा भीग गया हूँ लेकिन मैंने कुछ पहना नहीं है बारिश के लिए, पैंट वैंट पूरा गया मेरा। हाँ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ना मई महीने में इतना बारिश गिरेगा यार, क्या है में भाई मई महीने में ये वाला नज़ारा तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे, चारों तरफ अपने मस्त पेड़ है और जंगल का रास्ता यार ये, और रोड कंडीशन तो भाई बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे यार, मज़ा आ रहा है मेरे को चलाने के लिए, और क्या ही बताओ यार फीलिंग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गर्मी में हम लोग झुलस रहे होंगे, लेकिन आज तो सूर्य देवता के हमें ऐसे बस छूटे छूटे दर्शन हुए हैं। भाई ये सेकेंड ब्रिज तो बन गया वैसे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा आगे पीछे हल्के बैड पैचेस है, लेकिन बॉदर करने लायक नहीं। तो बल्लारेश्वर मंदिर का जो रास्ता है वहाँ पे हम लोग ने आने के लिए लेफ्ट टर्न मारा है। अभी ये जो रोड है यही है, आगे कहीं से है वो देखना है, शायद से तो यही रोड है, एंड ये सामने वाला जाने का है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। तो यार पाली सिटी के अंदर से आप जाओगे तो रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन जैसे ही आप सिटी से बाहर निकलते हो आपको काफ़ी अच्छा रोड चालू हो जाएगा। वैसे ध्यान देना, अगर आप फेस्टिवल टाइम को यहाँ से जा रहे हो तो ट्रैफिक भी आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। तो गाइस पाली से थोड़ा सा आगे आ गए तो यार रोड देख लो यार, क्या ज़बरदस्त बना दिया है ये लोग ने। अभी ये ऐसा ही रोड काफ़ी आगे तक जाता है, नियरली जो सीक्रेट वाटरफॉल का लोकेशन है वहाँ तक आपको एकदम बढ़िया रोड मिल जाएगा। वहाँ पे उधर थोड़ा सा पहले से हल्के हल्के स्पीड ब्रेकर थोड़े बढ़ जाते हैं, बट अदरवाइज रोड कंडीशन जो है वो बहुत बढ़िया है। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे ब्रिज का काम चालू होता है वहाँ पे सेम वापस प्रॉब्लम आ जाता है, और यहाँ पे डाइवर्जन ही है क्योंकि ब्रिज पूरा ही टूट गया है। तो यहाँ से हम लोग जब ब्रिज क्रॉस कर देंगे तो वापस से बढ़िया रोड आ जाता है। ऐसे तीन चार ब्रिजेस है, लेकिन ये मतलब मिट्टी का पैच था तो इतना कुछ इशू नहीं आया, ना बाइक मेरा स्लिप हो रहा था ना कार, तो भाई एकदम ही आराम से निकल रहा था वहाँ से। तो यहाँ पे रोड पूरा ऐसे है,
तो यहाँ पे एक लोकेशन आता है जहाँ पे आपको एक बड़ा सा ब्रिज आता है और उसके बाद तीन रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तो उसमें से जो बीच का रास्ता है वो तो मानगांव की तरफ जाता है और जो राइट वाला रास्ता है वो वाला जो है वो जाता है रैपलिंग के लिए। तो वहाँ पे आपको अगर जाना है तो आप वहाँ पे जाके रैपलिंग भी कर सकते हो। कोलाड का जो रिवर राफ्टिंग वगैरह सब होता है वो यहाँ से ही शुरू होता है, लेकिन उसका टाइमिंग स्पेसिफिक रहता है। आपको सुबह आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको स्टे करना पड़ेगा उसके लिए। तो यू कैन चेक आउट कैसे करना है, क्या करना है करके यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो यार अगर ये लोकेशन आपको जाना पहचाना लग रहा है तो यार जब भी सीक्रेट वाटरफॉल जाते हैं तभी हम लोग को यहाँ से सीधा जाना पड़ता है और राइट मार के अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग मानगांव पहुँच जाएंगे। सीक्रेट वाटरफॉल का अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो क्योंकि बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम नाश्ता किया था तो अभी भी हम लोग का प्लान है यहाँ पे ही नाश्ता करने का। तो सीक्रेट वाटरफॉल के बाद वाला जो रोड है वो तो भाई बहुत ही बढ़िया था और यहाँ से जाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग मानगांव पहुँचे हम लोग को मिला बहुत सारा ट्रैफिक। तो मानगांव के बाद तो भाई रोड बहुत ही अच्छा हो गया था, लेकिन बीच बीच में जो ऐसे डाइवर्जन आ रहे थे जैसे ये ब्रिज वाला डाइवर्जन और ये जो है ये सिर्फ ऐसी डाइवर्जन, क्योंकि रास्ते बन रहे हैं अभी भी पूरी तरह से बने नहीं है, लेकिन जितने बने हैं काफ़ी अच्छे हैं, ज़्यादा कुछ कंप्लेंट्स नहीं है। कि डाइवर्जन्स भी इतने फटाफट नहीं आते, अराउंड एक 5-6 किलोमीटर तो कुछ नहीं रहता है एटलीस्ट, उसके बाद डाइवर्जन आता है छोटा सा टू टर्न एंड देन आगे जाओ, इतना ही है। महाड़ बाईपास आने के बाद तो यार रास्ता बहुत ही बढ़िया हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिटी रोड का, यहाँ पे डाइवर्जेंस वगैरह भी ज़्यादा नहीं थे, कुछ नहीं थे, यहाँ पे आप कितना भी भगाओ आराम से जा सकते थे, ऐसे रास्ते थे। तो यहाँ से कशेड़ी घाट तक के रोड तो पूरे भाई ऐसे ही मिले मुझे। तो पोलादपुर तक का तो रास्ता बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसके बाद जो घाट चालू होता है वहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही घाट चालू होते पुराना रोड चालू होता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टनल बन रहा है जो पूरा जो कशेड़ी घाट है उसको बाईपास कर देगा और डायरेक्ट कशेड़ी घाट के आगे चला जाएगा। तो 24 किलोमीटर्स का जो रास्ता है वो काफ़ी शॉर्ट भी हो जाएगा और टाइम भी कम लग जाएगा और सेफली आप वहाँ से चले जाओगे। तो उसके लिए आपको फ़िलहाल तो ये घाट जो है वो अभी पुराने कंडीशंस में ही मिलेगा, जो ऑन एंड ऑफ अच्छा और बुरा दोनों है। तो यहाँ पे जो ऑफ रोडिंग है वो ज़्यादा नहीं है, एकदम थोड़े थोड़े पैचेस है जहाँ पे थोड़ा मिट्टी आता है, अदर देन दैट इतना कुछ ख़राब रोड भी नहीं है। अगर गाड़ी लेके आप जा रहे हो तो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, अगर बाइक पे हो तो थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। कशेड़ी घाट से लेके परशुराम घाट तक का जो रास्ता है वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जब भी परशुराम घाट शुरू होता है तो आपको देखेंगे एक साइड का काम अभी तक चालू है और एक ही साइड का काम हुआ है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा चलाते वक्त, क्योंकि सामने से वन वे होने की वजह से गाड़ियाँ बार बार आ रही थी। जैसे घाट के ऊपर के साइड पे पहुँचते हो आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे आप बहुत सारा काम चल रहा है, ब्रिज का भी काम चल रहा है एक जगह पे। तो जब तक वो बनता नहीं है तब तक एक साइड का ही काम चालू रहेगा, थोड़ा सा ऑफ रोड का पैच भी रहेगा, लेकिन अदर देन दैट वो घाट तो वैसे भी छोटा है। तो चिपलून में एंटर हो गए हैं, ट्रैफिक के साथ साथ थोड़े बहुत ख़राब रोड भी चालू हो गए यहाँ पे। भाई ये चिपलून में तो मैं परेशान कर दिया है, मेरे को धूल मिट्टी उड़ा रही है गाड़ियाँ एक तो, और दूसरा भाई ख़राब रास्ते इधर उधर से जा जाके ट्रैफिक जाम। छोटा सेक्शन है वैसे तो, देखने जाए तो रहेगा एक 2 किलोमीटर का वगैरह पैच। मैं बहुत साल पहले आया था ना तो इतना कुछ था ही नहीं हाईवे पे। तो भाई क्या रोड है यहाँ पे, तो यार मज़ा आ रहा है देखने के लिए मेरे को। यहाँ से पूरा प्लेन रोड है यहाँ से लेके अरावली तक, तो बेसिकली चिपलून जैसे ही छोड़ते हैं हम लोग वहाँ से लेके अरावली तक बहुत ही बढ़िया रोड है। उसके आगे वापस से अपने को तकलीफ़ वाला रास्ता चालू हो जाएगा, ये रोड जब भी बनेगा तो भाई थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन तब तक ये जो है ये देख सकते हो बाइक कैसे पटक पटक के जा रहा है मेरा। भाई बहुत ही ख़राब रोड है, उसके वजह से ट्रैफिक जैम भी थोड़ा बहुत हो गया है। चलो ये थोड़ा मिट्टी वाला रोड मैं ज़्यादा प्रिफर करूँगा ये पत्थर वाले रोड से, क्योंकि मिट्टी वाला रोड एकदम प्लेन होता है एंड इफ़ यू नो हाउ टू राइड ऑन डर्ट तो कोई तकलीफ़ नहीं आता है। यहाँ पे आप कितना भी कुछ भी कर लो, पत्थर जहाँ पे एक्सपोज होते हैं वो रोड सबसे बकवास होता है। हाँ अच्छा रोड, अच्छा रोड बीच बीच में अच्छा हो रहा है, बीच बीच में एकदम ही बकवास हो जाता है डाइवर्जेंस के यहाँ पे। भाई ये घटिया रोड है यार, घटिया। 20 के स्पीड में जा रहा हूँ मैं, लेकिन ना इतने पत्थर में ऐसा पटक पटक के जा रहा है गाड़ी पूरा मेरा सब टाइम पे। 25-30 के ऊपर तो जा ही नहीं सकता, और जहाँ पे ज़्यादा ख़राब हो जाता है 20 के भी नीचे आ रहा हूँ मैं। आई गेस ये जो है ओल्ड रोड था, जिसके बाजू में भी नया बनाएंगे, फिर ये बन जाएगा तो ये तोड़ देंगे, ये भी सीमेंट का बना देंगे बाद में। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि जहाँ से मट्टी रहे तो मट्टी में से अपन स्मूथली जा पाए।
ये डरा रहा है मेरे को यहाँ पे। भाई आरावली से अभी संगमेश्वर पहुँच गए हम लोग, और संगमेश्वर तक का मतलब एक पकड़ लो ना 7-8 किलोमीटर का जो पैच है बीच का, दैट इज़ द वर्स्ट। और मतलब लग ही नहीं रहा था 7-8 किलोमीटर है, क्योंकि हम लोग को क्रॉस कर रहे हैं बहुत टाइम लग गया, सिंस हम लोग 20 के स्पीड पे चला रहे थे। वो मेरा ओवरऑल जो स्पीड था, एवरेज स्पीड, वो मेरे को 10 किलोमीटर पर आ रहा दिखा रहा था। अभी यहाँ पे वापस संगमेश्वर में भी ख़राब रोड है, ये देखो बीच बीच में ऐसे अच्छा पैच थोड़ा बहुत आता है, फिर वापस से ये ऐसे मट्टी पत्थर वाला मेन पैच है, मट्टी भी चल जाएगा। मैं जा रहा हूँ मट्टी में। हाँ, सो मच बेटर, स्लो जाऊँगा चलेगा, खड्डे खड्डे तो नहीं लगते मट्टी में। संगमेश्वर से लेके जब से मैं निकला हूँ, खड्डे खड्डे खड्डे, ख़राब रोड, डाइवर्जेंस यही सिर्फ मिल रहा है, और रोड मतलब इतने बकवास है। ये लोग ने मतलब लिटरली कुछ, ये सब चल रहा है यहाँ पे, कुछ काम चालू नहीं किया है, यहाँ का रिपेयर भी नहीं किया है, कैसा किया है क्या मालूम। बस ना इसके ऊपर ना थोड़ा डाम्बर डाल के एक बार बना देते ना तो भी कंफर्टेबल हो जाता इतने से पैच को। अभी यहाँ पे टाइम लग रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो तब तक तो यहाँ का कर दो। अगर आप संगमेश्वर तक आ रहे हो ना तो मैं बोलूँगा कि एक बार आ जाओ बिंदास, कुछ इशू नहीं होगा। आरावली और संगमेश्वर के बीच में चिपलून तक वगैरह आ रहे हो तो मस्त रोड है, सब CNG वगैरह भी मिल जाएगा आपको हाईवे पे। तो संगमेश्वर के थोड़ा सा आगे यार हम लोग आके पक गए ये रोड से, और ये रोड ऐसे ही हाथखंबा के भी थोड़ा आगे पाली तक ऐसा ही ख़राब है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि रत्नागिरी जाना है तो ये अंदर वाले रोड से जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट की तरफ हम लोग बाहर निकलेंगे रत्नागिरी में। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने बैठे थे और इन्होंने अपने को बताया रास्ता, तो अभी अपन जाते हैं अंदर के रोड से। तो ये रोड भले छोटा है लेकिन कंडीशन तो बेटर है दूसरे रोड से। हाँ थोड़ा स्लो जाएंगे लेकिन यार कंफर्टेबल जाएंगे। भाई क्या रोड है ये, इतना बढ़िया रोड है भाई, वो कहाँ हम जहन्नुम में मर रहे थे और ये कहाँ जन्नत का रास्ता है। मतलब पतला है, सिंगल लेन रोड है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है क्योंकि मेंटेन्ड है, दैट्स द ओनली थिंग। ये रोड बेटर बना है उस रोड से जो हाईवे वाला रोड है। अभी वहाँ पे क्या हो रहा है, नए रोड का काम चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पुराने रोड को छोड़ दो, जबकि पुराना रोड ज़्यादा अच्छा कंडीशन में था। पर नसीब में जहाँ पे होटल में रुका वहाँ पे जो कपल था वो लोग ने हम लोग को हेल्प किया, वो लोगों ने बोला ये राइट वाला रास्ता ले लो रत्नागिरी के लिए बेस्ट होगा। हम लोगों ने राइट लिया, तब से ये ना कॉन्स्टेंट स्मूथ रोड है, कुछ खड्डे वड्डे नहीं आए इसमें। अभी बीच में थोड़ा ये मतलब हल्का सा रफनेस जो रोड में है, ऊपर का डाम्बर का हल्का लेयर निकल जाता है तो कैसे होता है वैसे, एकदम हल्का, ज़्यादा कुछ मतलब तकलीफ़ नहीं। तो भी गाड़ी 70 पे चल रही है मेरी यहाँ पे सिंगल लेन होके भी, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई क्या क्वालिटी रोड है। तो गाइज़ मेरे को तो मज़ा आ गया है रोड से जाके, लेकिन अगर आपको ऐसे ट्रैवल करना है अच्छे रोड से तो मैंने गूगल मैप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहाँ से आप देख के वैसे ट्रैवल कर सकते हो। मैंने राजापुर तक का मैप डाला है क्योंकि राजापुर तक के रोड ख़राब है उसके बीच बीच में पैचेस में, तो रूट वो अगर सिलेक्ट करोगे तो आपका मेजर पार्ट जो है वो बच जाएगा। आई गेस आपका एक घंटा एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन अगर रोड अच्छे हैं तो यार कोई भी वहाँ से ही जाएगा, मैं तो ऑफकोर्स वहाँ से ही प्रीफर करूँगा। आपको हार्डली एक 7-8 किलोमीटर का जो टोटल पैच है वो ख़राब मिलेगा, अदर देन दैट आपको पूरा अच्छा रोड मिल जाएगा। तो बस ऐसे ही हम लोग पहुँच गए थे रत्नागिरी, और रत्नागिरी के व्लॉग्स भी आने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड। देखते रहिए मेरा चैनल, यहाँ पे ये जो वीडियो दिख रहा है ये आपके लिए जो बेस्ट है वो मैं निकाल के लाया हूँ, तो ये वाला भी देख लीजिए और एंजॉय कीजिए।